चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बाबरी मस्जिद फिल्म का नाम बदलकर हम हैं हिंदुस्तानी आखिरकार बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज कर ही दिया गया। इस फिल्म को बिहार और झारखंड के करीब 100 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म अभी भी दूसरे सप्ताह भी करीब करीब 50 सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की अभी भी काफी भीड़ उमड़ रही है। अधिकांश सिनेमाघर अभी भी शो शुरू होने से पहले ही हाउसफुल का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है, तो कहीं दर्शकों को दूसरे शो का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं सिनेमाघरों में टिकट ना मिलने से दर्शकों के चेहरे पर मायूसी साफ सी झलकती नजर आ रही है। अगर हम खेसारी लाल यादव और काजल राधवानी की फिल्म हम हिंदुस्तानी की अब तक की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब करीब 1 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी कलेक्शन में गिनती आ रही है। इस फिल्म के गाने को संगीत प्रेमी बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यह फिल्म प्यार मोहब्बत और रोमांस से भरपूर है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव काजल राधवानी के साथ अपने रोमांस से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को बेहद ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव काजल राधवानी के अलावा अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, ब्रजेश त्रिपाठी और संभावना सेठ जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का खतरा बताते हुए फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए इस फिल्म पर बैन लगा दिया था। फिर बाद में बाबरी मस्जिद का नाम बदलकर हम हिंदुस्तानी रखकर रिलीज किया गया है।